वहां तक हमको बुरा नहीं लगा, वो बोलती है चलो निकलो बेटा यहाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं पवन का ज्यादा मैं वीडियो, लेकिन अब उनके लिए मेरे दिल में कोई सम्मान नहीं रहा। देखिए हमको लगा कि वो पहले मजाक में बोल रही है, क्योंकि हेलो दोस्तों स्वागत हमारे चैनल में। तो आज हमारे साथ है गौरी शंकर जी, जो बहुत अच्छा मतलब न्यूज बनाते हैं पवन भैया के लेकर और भी सारे लोगों को लेकर बनाते हैं। हाल फिलहाल में इनके साथ एक घटना हुआ है जिनमें मतलब कुछ है जो सुपरस्टार अपने आप को मानती है और उन्होंने बहुत सारी बात इनको बोला है, तो आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मतलब आप वहाँ पर गए थे तो ऐसा क्या हादसा हो गया था जो मतलब कुछ ऐसा वीडियो बनाना पड़ा आपको? देखिए हादसा नहीं हुआ था, वहाँ हम गए थे भोजपुरी का बिफोर यू का चल रहा था, बिफोर यू का कोई चैनल का शूट वूट चल रहा था, सारे कलाकार आए थे, मतलब पवन भैया खेसारी भैया को छोड़ के सारे कलाकार आए थे वहाँ पे। अपनी आपकी अपनी अक्षरा जी भी आई हुई थी, सब लोग आए थे, रितेश पांडे, सुबी शर्मा, अंजना सिंह, तमाम सारे कलाकार आए थे। तो मुझे भी इन्विटेशन मिला था तो मैं गया था। तो पता नहीं अक्षरा जी को हमसे क्या दुश्मनी है नहीं है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा से उनका सम्मान करता हूँ, पहले भी वो मिलती थी तो मैं उनका सम्मान करता था, और लेकिन अब उनके लिए मेरे दिल में कोई सम्मान नहीं रहा। तो भैया मतलब ऐसा क्या मतलब जो वर्ड बोल दिया था उन्होंने जो मतलब आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा? देखिए हमको लगा कि वो पहले मजाक में बोल रही है, क्योंकि हम लोग का ऐसा नहीं, अक्षरा जी जब भी मिलती थी तो हमारा अच्छा बातचीत था, अच्छा हम लोग का कॉम्बिनेशन था, वो प्यार से बात करती थी हमारा। देखिए हम क्या है कि सबके साथ हमारा इंडस्ट्री में जितने भी स्टार हैं शुरू से सबका प्यार आशीर्वाद मिला है, और पर्सनली मैं ये बोलता भी हूँ कि हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं पवन सिंह पवन भैया का ज़्यादा मैं वीडियो बनाता हूँ, उनकी मैं ज़्यादा तारीफ करता हूँ, क्योंकि उस इंसान का मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट है, शुरू से उन्होंने मुझे हेल्प किया, और उनके लिए भी मैं एक वीडियो बनाया था कुछ रॉन्ग, तो उन्होंने मुझे प्यार से समझाया था। और अक्षरा जी का जो ये आरोप है कि कहती हैं कि तुम वीडियो में मुझे गाली देते हो, ऐसा मेरे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें अक्षरा जी मैं आपको अशब्द बोला हूँगा। हाँ आपकी एक वीडियो जरूर मैं बनाया था जिस टाइम में आपने माइक फेंका था, उस टाइम में वीडियो में मैं उसमें भी अच्छे से सलीके से बात किया था, और मेरे चैनल पे मैं आज तक किसी भी आर्टिस्ट को जो आप ये शब्द बोली है गाली देने का मैं देता ही नहीं हूँ, किसी को नहीं, क्योंकि मैं अगर यूट्यूबर भी हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ, तो वो भी मैं पढ़ लिख के बनाता हूँ, और मेरा जितना भी वीडियोज होता है वो सब, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होता है जिसमें मैं किसी को उल्टा पुल्टा बोलूँ, मेरा ये रहा ही नहीं है। और बात रही भैया का, तो उनके लिए हमेशा से हूँ और रहूँगा। तो भैया मतलब आपसे एक और रिक्वेस्ट ये रहेगा कि मतलब आपने मतलब बोला उनको, लेकिन उन्होंने रिएक्ट किया होगा? रिएक्ट देखिए मैं वहाँ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनके 15-20 लोग थे वहाँ पे और मैं अकेला था, ठीक है, तो इसलिए मैं वहाँ कुछ नहीं बोला और ज़्यादा कुछ नहीं बोला मैं, क्योंकि वो वहाँ पे बोल रही थी तो नहीं होता है बाउंसर वाउंसर, मैं अकेला था तो बाउंसर बोल रहा था कि चलो चलो चलो, तो तुम क्या बोले, हम बोले कुछ नहीं बोले हैं भाई, हम शांत से रहो, हम उसको बोले ठीक है। उसके बाद वो बोलती हैं कि चलो, वहां तक हमको बुरा नहीं लगा, वो बोलती हैं चलो निकलो बेटा यहाँ से, ठीक है, सबसे पहले आप कलाकार हैं, आप स्टार हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ठीक है, आप स्टार हैं, आप अपने जगह स्टार होंगे, ठीक है, लेकिन मेरी भी छवि है एक, और मुझे भी, अगर आपको मार्केट में 10 लोग जानते हैं तो 4 लोग मुझे भी जानते हैं, आप भी इंडस्ट्री से हैं, मैं भी इंडस्ट्री से हूँ, तो सिंपल सी बात है, आपको अगर ये चीज जो पब्लिकली आपने बोला है ये दिल से हमको बुरा लगा था, और इसी वजह से मैं वीडियो भी बनाया था जिनको, जिसकी वीडियो के बारे में अभी उनके तरफ से फोन भी आ रहा है कि डिलीट करने के लिए। चलिए कोई नहीं, जो भी हुआ मतलब अच्छा नहीं किया है उन्होंने, पर दर्शक को क्या कहेंगे, दर्शक तो जानते हैं देखते हैं, बस यही है कि भाई अगर आप लोग देखते हैं तो मैं यही कहूंगा कि देखिए अक्षरा सिंह जी आप कलाकार हैं, बहुत अच्छी कलाकार हैं, बट आप अपना ये जो ये वाली चीजें जो है हरकत, किसी को आप अपने आप से नीचे समझती हैं या फिर कुछ भी बोलती हैं, तो ये प्लीज आप दोबारा किसी को मत बोलिएगा। बाकी आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, लेकिन ये सब शब्द कहीं से भी ये अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, और पर्सनली आपने ये दूसरी बार बोली है तब मैं जाके ये वीडियो बनाया हूँ, इसलिए वीडियो बनाना भी जरूरी था ताकि आपको ये समझ आए कि और भी किसी लोगों को ये बात मैं ना बोलूंगा आइंदा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।